हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सपोर्ट में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 10वीं किस्त से रिलेटेड एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि मार्च में, जो कि 10 मार्च से पहले कुछ बहुत त्यौहार हैं, जैसे महाशिवरात्रि, बहुत सारे त्यौहार हैं, तो उसके चलते हुए जो है पैसा मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक नया आदेश जारी किया है 10वीं किस्त को लेकर। तो क्या आदेश क्या है, क्या रहने वाला है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि किन महिलाओं को पैसे मिलने वाले हैं और किन को नहीं। तो चलिए आपको सब वो डिटेल बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाली बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देख सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बालाघाट जिले में विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। तो आगामी मार्च महीने में कई त्यौहार हैं, जिसमें आप सबको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अब की बार 10 तारीख माने 10 मार्च को नहीं बल्कि 1 मार्च को ही लाडली बहनों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने नया आदेश जारी किया है कि जो है सभी बहनों को जो है पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके चलते जो है मोहन यादव जी ने 1 मार्च को ही किस्त देने का जो है घोषणा कर दी है। क्योंकि 1 मार्च के बाद और 10 मार्च के पहले बहुत सारे त्यौहार हैं, तो उसके लिए, और अभी जो है खेती किसानी के काम भी लग चुके हैं, तो महिलाओं को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए उन्होंने ये घोषणा कर दी है। और लाडली बहनें धूमधाम से मनाएंगी त्यौहार, क्योंकि 1 मार्च को ही खाते में राशि आएगी आपकी बार। तो जो है दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा कि यही आदेश हुआ है। सभी बहनों को, जितनी भी पात्र बहनाएँ हैं जिन्होंने स्वयं से लाभ परित्याग किया उनको छोड़कर, और जो 1 जनवरी 2024 को 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी हैं, उन महिलाओं सभी महिलाओं को जो है अब की बार पैसा नहीं मिल रहा है, और बाकी सभी महिलाओं को जो है पैसा मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।